A very good morning to all. Welcome to the Swami Vivekananda Institute. As you know that we are uh, covering the international relation theories, and in this series of the international relation theories, we are going to move to the liberal approach. So, जैसा कि आपको पता है last class में जो हमने discuss किया था वो उदारवाद के बारे में discuss किया था और उसी कड़ी में हम उदारवाद के basic concept को समझेंगे. इससे पहले भी आपने रियलिज्म के बारे में देखा कि रियलिज्म जो होते हैं उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं आपको स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हुए पी वाई क्यू को ध्यान में रख कर के एन डी ए के बारे में तैयारी करना है बिना आपको पी वाई क्यू और सिलेबस देखे आप ऐसे ही ट्रेवल करते रह जाओगे इधर उधर और कोई आपको गोल नहीं मिलेगा सो फोकस ऑन पी वाई क्यू एंड दिलेबस एंड फॉलो बुक सो दैट यू कैन रीच योर गोल एज सुन एज पॉसिबल तो जो सेकेंड अप्रोच जो आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशन में वो है लिबरलिज्म उदारवाद जब हम उदारवाद की बात करते हैं तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है लेकिन जैसा कि रियलिज्म में जो ज, जो कि हाइस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है एन के द्वारा वैसा लिबरलिज्म में आपको कम देखने को मिलता है लिबरलिज्म में कुछ कुछ हैफजार्ड यहाँ वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसको कैसे तैयारी करना है उसको हम कैसे टॉपिक को कवरअप करेंगे तो हम ऐसा नहीं है मान लीजिए कि आपसे डेमोक्रेटिक पीस थियरी या फिर आपसे न्यू फंक्शनलिज्म के बारे में या फिर आपसे कोई थिंकर्स के बारे में पूछ ले तो आपको उस थिंकर के बारे में डेप्थ में नहीं पढ़ना है बल्कि आपको थोड़ी सी ऊपर से अंडरस्टैंडिंग लेनी है और उसके लिए आपको पूरा रिसर्च नहीं करना है तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए हम पी को एनालाइज करेंगे और पी में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना बार बार आ रहे हैं और उससे हम क्या करेंगे मेन टॉपिक्स को कवरअप करते हुए चलेंगे तो जो हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप कर लिया था जिसमें हमने देखा था कि लिबरलिज्म कैसे हमें कवर अप करना है फिर उसके बाद हमने पी और सिलेबस को ध्यान में रख करके आगे बढ़ने की कोशिश की थी और पी को एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपने देखा था कि जो थिंकर्स हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जब हम इससे रिलेटेड पी करेंगे तब तो हम देखेंगे कि कैसे जो सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट जो है ना वो बार बार आपसे पूछे जा रहे हैं फिर उसके बाद आपको विचारक जो लिबरलिज्म से रिलेटेड जो जितने भी विचारक है जॉन लॉग या फिर आप देखोगे कि डेमोक्रेटिक पीस थियरी से रिलेटेड जितने भी थिंकर उनकी अवधारणाएं किसने दी इस तरह के क्वेश्चन आपसे दिए जाते हैं तो आपको उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है जब तक से आप पी एनालाइज नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा जॉन लॉक से रिलेटेड आपको पूछे जाते हैं नेचुरल राइट प्राइवेट प्रॉबर्टी हु इज़ द फादर ऑफ लिबरलिज्म और टेबुलर टैबुल जैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये सब आपको पी वाई क्यू देख करके ही कवरअप करना है फिर उसके बाद आप माइकल डोएल जो कि अभी रिसेंट वन ऑफ द कहते हैं कि अपडेट लाने वाले जो कि लिबरलिज्म में नए अपडेट्स के लिए माने जाते हैं जो कि कैन कांड के अवधारणाएं को आगे ले गए ये भी हम पीवाईक्यू के थ्रू ही कवर अप करेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे पीवाईक्यू को देखते हुए तो हमने देखा कि लिबरलिज्म के मेन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं वो इंडिविजुअलिज्म और इंस्टीट्यूशन और फ्रीडम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और साथ ही साथ स्टेट और सिटीजनशिप के बीच में इंटरेक्शन होनी चाहिए तो लिबरलिज्म की ये जो है मेन कॉन्सेप्ट जैसे कि रियलिज्म में आप पावर और इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके थियरी को पढ़ते हो उसी तरह से लिबरलिज्म की ये बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके बिना लिबरलिज्म को पढ़ना नामुमकिन है फिर उसके बाद आप देखोगे जैसे रियलिज्म में बहुत सारे ऑबसुट्स आपको देखने को मिलते हैं उसकी भिन्न भिन्न शाखाएं देखने को मिलती हैं जैसे कि न्यू क्लासिकल रियलिज्म फिर न्यू रियलिज्म उसी तरह से आप जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट जब आप स्टैंडर्ड बुक बेली स्मिथ और एंड्रू हेबुड को उठा करके देखोगे तो उसमें आपको या फिर हिंदी मीडियम के बच्चे कोई भी आप अपना नोट्स रेफ़र करें तो प्लीज़ आप स्टैंडर्ड नोट्स को ही रेफ़र करें ताकि जो है ना आपकी जो कॉन्सेप्ट जो है आपकी जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो वो ज़्यादा क्लियर हो तो जब आप इसके ऑप्सोड्स को देखोगे तो उसमें आपको देखने को मिला, मिलेगा मिलेगा लिबरल पैसिफिज्म, लिबरल इम्परलिज़म इंटरनेशनलिज्म और इन सब के जो थिंकर हैं वो सोम पीटर आपसे पूछ दिया जाता है कि बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द लिबरलिज्म सो तो प्लीज़ कीप इन माइंड मैकियावेली जो कि क्लासिकल रिपब्लिकज़म और इन सब की कुछ खामियाँ थी जैसे कि आप देखोगे क्लासिकल रिपब्लिकन जो था वो इंडिविजुअल को कम्प्लीटली इग्नोर कर रहा था और इसी की बातों को कमियों को पूरा करने के लिए कांड ने कहा था कि वी नीड सम डेमोक्रेटिक रिपब्लिकज्म विच जहाँ पे लिबरलिज्म जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड क्या हो फॉलो किया जाए तो ये जो थी कुछ ऑफसोर्स थे लेकिन इनमें भी कुछ कमियां हैं पीवाई के थ्रू हम इन छोटे छोटे कमियां को एनालाइज करते चलेंगे आज के जो सेशन है आज का जो सेशन है वो हमारा है पी से रिलेटेड और इन पी वाई क्यू में हम क्या करेंगे जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि जनरली हम लोग इग्नोर कर देते हैं जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं और जिसकी वजह से हमें लगता है कि हमने पूरा बुक तो पढ़ लिया है फिर उसकी क्या ज़रूरत है तो उन छोटे छोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट को कवर अप करते जाना है ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है ना कोई भी कॉन्सेप्ट जो है हमारा छूटे नहीं तो जब हम बात करेंगे हमने हम स्टार्ट करते हैं पी वाई क्यू से जो पी वाई क्यू का जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे हु हैज क्वाइट द सॉफ्ट पावर ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं या फिर आपसे हो सकता है थिंकर पूछ दिया जाए और आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है तो प्लीज़ इन चीज़ों को आप ध्यान में रख के चले क्योंकि सॉफ्ट पावर जो है ना लिबरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है और ये आपसे पूछ दिया जाता है कि ये किसने दिया इससे रिलेटेड थिंकर्स कौन है तो आपके जो ऑप्शन है वो हंस मॉर्गें थाउ जोसेफ नाई रॉबर्ट जर्विस एंड टिकनर इसमें से कौन जो है सॉफ्ट पावर के जनक हैं तो आपको इसका आंसर देना है प्लीज टेक आउट योर कॉपी एंड प्लीज नोट डाउन योर आंसर सो देंट कि लास्ट में आप एनालाइज कर सको कि कहाँ पे जो है मेरा कमजोर पॉइंट है और मुझे उसको फिर से पढ़ना है सो प्लीज नोट डाउन योर आंसर हु हैज द टर्म सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर शब्द किसने गढ़ा है किसने रचना किया है इस शब्द को किसने दिया है ऑल राइट right. एक बात और की हो सकता है आपको इस टाइम इस टाइम को इसलिए दिया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चन को एनालाइज कर सको एन डी आपको एक मिनट का टाइम देता है बट आ, अगर आप में से किसी बच्चों को लग रहा होगा कि ये एक मिनट टाइम भी मेरे लिए ज़्यादा है तो आप क्वेश्चन आप जो है ना वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो और या फिर आप इस वीडियो की स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो ताकि जो है ना आपकी टाइम भी सेव हो बट ये टाइमिंग आपको इसलिए दी जाती है कि एन वाला जो स्ट्रेस है जो आपकी टाइमिंग हो वो आप उसको मैच करते हुए चलो क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में जाकर के बैठना है सो so जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं हु हैज़ क्वाइंड द टर्म सॉफ्ट पावर ये हमने लेक्चर में कवर की कवर किया था और हमने फर्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक्स को ध्यान से देखा था सॉफ्ट पावर ये जो सॉफ्ट पावर है ना आपको जनरली जोसेफ एस नाइस देखने को मिलेगा और केहोन की के इन दोनों ने मिलकर के सॉफ्ट पावर को एक्सप्लेन किया था होता क्या है ये सॉफ्ट पावर लेट्स सी दिस सॉफ्ट पावर जो होता है जैसे आपके जैसा कि आपको पता है पावर क्या होता है पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर या फिर आप किसी से ऐसे काम करवाना चाह रहे हो जो कि वो करना नहीं चाहता है। उसे हम पावर कहते हैं अब ये पावर जो होता है या तो आप फोर्स के थ्रू भी लगा सकते हो या फिर आप उनकी मैन्यूपलेट करके भी लगा सकते हो या फिर उन्हें आप फसला कर भी लगा सकते हो या फिर उन्हें पता नहीं चले कुछ इस तरीके से जैसे हमने हज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था हज मनी में भी यही होता है कि आप किसी से उसके कंसेंट के थ्रू उसके बिना किसी आप उससे कुछ काम करवाना चाहते हो उसके कंसेंट के थ्रू और उन्हें आप उसे फोर्स करते हो फोर्स वहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर क्या होता है जब आप हज यूज़ करते हो हज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप किसी पे रूल बाय कंसेंट यानी कि उसे लगे नहीं कि आप उस पे रूल कर रहे हो बट उसमें उसकी साइलेंट कंसेंट रहती है तो ये जो है ना ये आपको हेजेमनी का कुछ इसी तरह से आपको सॉफ्ट पावर भी कहता है कि सॉफ्ट पावर में आप क्या करते हो किसी दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो कोई एक बहुत बड़ा हेजुमन क्या करता है दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस कर करता है और उसमें वो फोर्स का यूज नहीं कर करता है उसमें वो क्या यूज करता है कल्चर्स को कल्चर्स या फिर जितने भी नॉन मिलिट्री थिंग्स हैं जैसे कि आप देखो इंडिया के पास है योगा इंडिया के पास है बॉलीवुड अमेरिका के पास हॉलीवुड ये सब क्या है उनके कल्चर्स हैं नॉर्म्स हैं आइडियाज हैं जिससे वो क्या करते हैं दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर आप देखो कि बहुत सारे स्कॉलरशिप एजुकेशन की या फिर वीजा जैसे बहुत सारे नई नई प्रोविज़न आती हैं तो इससे क्या करते हैं एक दूसरे के बीच आप इन्फ्लुएंस करते हो एक कंट्री दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस करता है और वो अपने पावर को एक तरह से शो करता है पीपल टू पीपल

हमें सॉफ्ट पावर भी चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं क्योंकि हार्ड पावर से आप किसी खास टाइम पीरियड तक रूल कर सकते हो लेकिन जब तक से आपके पास सॉफ्ट पावर नहीं है आप जो है ना उस कंट्री में स्टेबिलिटी या फिर अपने रिलेशन को बहुत देर तक कायम नहीं कर सकते हो तो हार्ड पावर के साथ साथ हमें सॉफ्ट पावर भी चाहिए ताकि हम जो है ना वहाँ पे पीपल टू पीपल रिलेशन यानी लोगों के बीच अच्छा संबंध अपनी अच्छी छवि बना सके तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों जरूरी है हमें अपने हमें किसी भी एक हेजमन को अपनी जो प्रभुता है दूसरे कंट्री पे इस्टेब्लिश करने के लिए और इसी वजह से आप देखोगे ना अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो चारों तरफ इसलिए है क्योंकि उनके पास हार्ड पावर भी स्ट्रांग है उनकी डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और साथ ही साथ आप देखो सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर में आप देखोगे कि उनके पास बॉलीवुड साथ ही साथ लिबरलिज्म की आइडिया डेमोक्रेसी को प्रमोट करना So, ये Plus, US US तो ये सब उनकी सॉफ्ट साथ जैसे आप चाइना देखो चाइना की भी अपनी डिफेंसिव पावर यानी की अपनी जो जितने भी ड्रोन्स ये सब जो है वो क्या कर रहे हैं वो अब धीरे धीरे स्ट्रेंथन कर रहे हैं साथ ही साथ ऑल्सो इंक्रीजिंग जैसे बुद्धिज्म को प्रमोट करना और भी बहुत सारे छोटे छोटे, छोटे चीजें जो है ना चाइना के थ्रू कल्चर्स को दिखाना कन्फ्यूजनजम को दिखाना तो आइडियोलॉजी को फिर से प्रमोट करना और ट्रेड फिर उसके बाद आप देखो आर से बी आर आई ये सब क्या है ये सब उनके आइडियोलॉजी आइडियाज को प्रमोट करना होता है तो इसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर ठीक उसी तरह से आप इंडिया के कॉन्टेस्ट में देखो तो इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग टू मेक्स मेक इन इंडिया और भी बहुत सारे डिफेंस में ही इज़ ऑल्सो ट्राइंग इंडिया इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड एज ए वन ऑफ द डिफेंस मास्टर और दूसरे कंट्री को अब इंडिया क्या कर रहा है? अपने इंस्ट्रूमेंट और अपने डिफेंसिव कैपिलिटी या फिर अपनी जो हथियार है या फिर वो क्या कर रहा है सेल कर रहा है अभी तो ब्रह्मभोस मिसाइल भी सेल किया है इंडिया ने तो अभी साथ ही साथ इसके साथ साथ सॉफ्ट पावर पे ध्यान दे रहा है जैसे कि योगा डेज को प्रमोट करना या फिर आप बॉलीवुड को देख लो बॉलीवुड में अभी आपने जो पठान मूवी देखी जो उसका जो रेटिंग है इट्स वेरी हाई और इट्स इट्स फर्स्ट ऑल अक्रॉस द इंडिया तो ऐसे जैसे सॉफ्ट पावर होते हैं ना ये क्या करते हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री के बीच अच्छे रिलेशन को बिल्ड करने में मदद करते हैं और ये उनकी जो ड्यूरेबल रिलेशनशिप होती है ना वो ज्यादा देर तक बनी रहती है तो वो किसी भी कंट्री को रूल करने के लिए भी किसी भी हैजमान कंट्री को ज्यादा रूल करने के लिए स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए अच्छे रिलेशन बनाने के लिए हमें हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर दोनों की जरूरत पड़ती है तो ये जो सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया जोसेफ नाइन ने और जोसेफ नाइन ने एक बुक भी लिखा द सॉफ्ट पावर सॉफ्ट पावर इनका बुक भी है सो प्लीज कीप इन माइंड सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो जोसेफ नाइन से रिलेटेड है साथ ही साथ जब हार्ड पावर की बात करें तो वो मिलिट्री पावर की बात करती है हार्ड पावर इज़ फोकस्ड ऑन द मिलिट्री पावर ठीक है जितने भी आप डिफेंसिव रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट देखते हो वो वो जो है वो आपके हार्ड पावर को दर्शाती है और साथ और ये जो होती है जब भी आप हार्ड पावर यूज़ करते हो तो वो कुआरसिव इन नेचर होता है वो किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता वो क्या करता है आप उस पर फोर्सफुली अपनी अपनी आइडियाज़ को क्या करते हो इम्प्लीमेंट करते हो ठीक है तो ये जो है ना कुआरसिव इन नेचर होता है और इस इसी वजह से ना रियलिज्म जो है ना पावर पूछा जाता है जब भी आप लिबरलिज्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो सो प्लीज कीप इन माइंड नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग अबाउट द रिज्यूम थ्योरी अबकोर्स दिस इज अव टर्म और ऐसे ऐसे जो टर्म्स है ना ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से नहीं मिलेगा सिर्फ आपको सिलेबस देखने से नहीं मिलेगा क्योंकि सिलेबस में कहीं पे भी रिज्यूम थियरी का जिक्र नहीं है आप या फिर स्टैंडर्ड बुक में बहुत ही छोटे छोटे ये में आप उसे नोट डाउन नहीं कर पाओगे उसे लगेगा कि लिबरलिज्म मुझे पढ़ना है तो ये सब आपको कैसे पता चलेगा जब तक से आप पी वाई क्यू नहीं देखोगे तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिजीम थियरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ट्रू अब इसमें जब तक से आपको रिज्यूम थियरी का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप इनमें एलिमिनेट नहीं कर पाओगे बट फिर भी आप इसे एक बार कोशिश करके देखो अगर आपको नहीं आएगा आई विल हेयर टू हेल्प यू तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज अटेम्प्ट टू एग्जिस्टेंट रूल गवर्नमेंट गवर्न बिहेवियर इन एन अनार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम दे आर टू रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम मेजर पावर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्टू देयर मैकेजम प्रिंसिपल्स नॉर्म्स रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स हैव बिन डिफाइन देम तो इनमें से आपको चूज करना है कि इन चारों में से कौन जो है वो रिजीम थियरी को अच्छी तरीके से व्याख्या कर रहा है कौन अच्छी तरह से बता रहा है ये चार ऑप्शन है और आपको दिख, दिखाना है कि विच वन इज द फॉलोइंग इज डिस्क्राइबिंग द रिजीम थियरी एपकली उचित है रिज्यूम थियोरी के लिए प्लीज ट्राई दिस अगर आपको नहीं आएगा आई एम हियर टू हेल्प यू जस्ट ट्राई दिस बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिज्यूम थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द रिज्यूम थियोरी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ट्रू

तो इसी संदर्भ में बात करते हुए रिजिम थेरी ये कहता है कि हम एक इंटरनेशनल अनार्कियल नेचर जो आयर का है उसमें हम क्या करें उसमें एक नॉर्म्स लाएं कुछ ऑर्डर लाएं ताकि जो क्या हो कहीं पे कोई अरजकता ना फैले केओस ना आए तो इसी वजह से कुछ नॉर्म्स और कुछ जो रूल्स हैं वो फॉलो करने रहते हैं और ये रिजीम येरी आपको जनरली कुछ कुछ इशू से रिलेटेड होते हैं कुछ स्पेसिफिक इशू को सॉल्व करने के लिए कुछ खास इशू को देखते हुए उसको सॉल्व करते हुए जैसे कि मान लीजिए कि आपको ट्रेड ट्रेड को प्रमोट करना है तो वो क्या करते हैं एक ट्रेड से रिलेटेड कि कौन कौन से रूल्स होंगे ना जिस जैसे आप देखते हो डब्लू जैसे बहुत सारे प्रोविजन आते हैं कि कैसे आपको ट्रेड को स्मूथली प्रोसीड करना है अक्रॉस द वर्ल्ड उसी तरह से आप क्लाइमेट से रिलेटेड बहुत सारे पेरिस एग्रीमेंट ऐसे बहुत सारे जो होते हैं ना कोऑप जो मीटिंग्स होते रहते हैं तो ये सब क्या है एक रूल्स ऑर्डर रहते हैं फिर उसके बाद न्यूक्लियर से रिलेटेड आई ए जो होते हैं बहुत सारे या फिर आप बहुत सारे ट्रीटी होते हैं कि कैसे आप डिसमेंट को आगे बढ़ा सकते हो तो ये सब क्या है ये सब नॉर्म्स और एक खास रूल पे बेस्ड होते हैं जिससे क्या होगा कि कोई भी जो है ना कभी भी आप मान लीजिए कि क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन इज़ ऑल अबाउट पावर इंटरेस्ट जैसा कि रियलिस्ट कहते हैं तो कोई भी हो सकता है अपने पावर को एक्सीड करके दूसरे कंट्री को एक्सप्लाइड कर सकता है इसलिए रिजीम थियरी कहता है कि देयर शुड बी सम नॉर्म्स एंड रूल देयर शुड बी सम कोऑपरेशन यहाँ पे सहयोग की भावना होनी चाहिए ताकि जो है ना अनारकी को क्या किया जाए रिप्लेस किया जाए और इस बात को मोरालिटी एथिक्स को इन रियलिस्ट ने कोई जगह नहीं दी यहाँ पे थोड़ी सी कॉपरेशन की बात की जा रही है जो थिंकर जो आपको देखने को मिलेंगे वो मतलब रिजीम थियोरी से वो इम्पोर्टेंट है वो जनरली आपको एन टी पूछ देता है कि विच ऑफ़ द थिंकर इज़ बिलोंग टू रिजीम थियोरी आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है तो स्टीफन क्रेजनर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थियोरिस्ट हैं इंटरनेशनल रिजीम से सो प्लीज कीप इन माइंड स्टेफन क्रिस्नर ये नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और जब भी आप रिज्यूम थ्योरी की बात करते हो तो जितने भी इंस्टीट्यूशन जैसे आप यू एन ये सब जो है ना ये इंस्टीट्यूशन किस पे बेस्ड है एक की कोशिश करते हैं एक नॉर्म्स और ऑर्डर लाने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में ताकि जो कॉपरेशन हो वो प्रमोट हो तो एक तरह से आप देखो ना ये रिज्यूम थ्योरी वो लिबरल आइडिया को प्रमोट करता है कॉपरेशन को प्रमोट करता है सो दिस आर द सम कॉमन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिजीम थियरी नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आई वुड लाइक टू रीड इट अगेन ताकि आपको ज्यादा और क्लियर हो इनमें से कौन जो है रिज्यूम थियरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सही है कौन रिज्यूम थियरी के बारे में सही व्याख्या करता है इट इज़ अटैम्प्ट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रूल गवर्नमेंट बिहेवियर इन एन अनार्कियल इंटरनेशनल सिस्टम कोशिश की जाती है कि इसमें क्या किया जाए एक रूल गवर्नमेंट यानी कि उसमें रूल्स लाने की कोशिश की जाती है ताकि क्योंकि जो हमारा अन इंटरनेशनल सिस्टम है उसको उसके बिहेवियर में जो एग्जिस्ट है उससे थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश की जाए दे आर टू रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम इनका मेन काम यह होता है कि ये कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम को रिप्लेस करें या फिर तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि मेजर पावर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म जो मेजर पावर्स होते हैं कि जैसे यूएस या फिर यूरोप ये करते हैं ये रिज्यूम थियरी से क्या करते हैं कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं फोर्थ ऑप्शन आपका कह रहा है प्रिंसिपल्स नॉर्म्स रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स हैव डिफाइन देम यानी कि प्रिंसिपल्स कुछ नॉर्म्स और कुछ रूल्स की कह उसी को रिज्यूम थियरी कहते हैं तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इनमें से कौन जो है ना करेक्ट है आप एलिमिनेशन का यूज कर सकते हो Right answer the question, just try to attempt this question. This is a very important question, very important concept. Regime theory. All right. आई होप यू हैव रिटर्न आवर योर आंसर ऑन योर कॉपी सो जैसा कि आप देख रहे हैं इट इज़ अटेम्प्टू एग्जिस्टेंस ऑफ द रूल बेस्ड गवर्नमेंट अफकोर्स रूल बेस्ड गवर्नमेंट की हमने बात की रूल बेस्ड रूल होना चाहिए ऑर्डर होना चाहिए तभी तो हमने बात की कि ताकि वो जो है ना अन की को रिप्लेस करें तो ये तो हमने बात की ये तो मुझे लग रहा है सही होना चाहिए यानी कि ए होना चाहिए इसमें ए इसमें है ए इसमें है इसमें ए नहीं है इसको हटा देते हैं फिर उसके बाद कह रहा है दे आर टू रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम इसका काम है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम देखो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम की बात लिबरलिज्म करता है और कभी भी जो लिबरल है वो रिजीम को, तो एक दू, एक दूसरे को कैसे निगेट कर सकता है तो इसको अभी होल्ड करने देते हैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मेजर पावर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट थ्रू दिस मैकेनिज्म जो मेजर पार्ट होते हैं जैसे यूएस ये सब जो है क्या करते हैं रिजीम थियरी का यूज़ करके कॉन्फ्लिक्ट को ये भी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रिंसिपल्स नॉर्म्स रूल्स एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर्स हैव डिफाइंड देम ऑफ कोर्स अगर आप रिज्यूम थी को देखोगे रिज्यूम थीरी में क्या होता है वो प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ खास नियम होते हैं कुछ नॉर्म्स वैल्यूज होते हैं कुछ रूल्स होते हैं जिनको क्या करते रहते हैं फॉलो करना रहता है और उसी के हिसाब से आप डिसीजन बनाते हैं उसी में यू एन डब्ल्यू डी ओ ये क्या करते हैं डिसीजन बनाते हैं और उनको आपको फॉलो करना रहता है तो ए और डी तो कन्फर्म है ए और डी ए और बी है ए और डी सो ए और डी इज द राइट आंसर बिकॉज यहाँ पे आप देखो कलेक्टिव सिस्टम एक दूसरे को कैसे निगेट कर सकता है क्योंकि आप रिज्यूम थियरी लिबरलिज्म को देख रहे हो और ये ये भी लिबरलिज का है और ये लिबरल का ये एक दूसरे को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत है और सी तो आपने निगेट पहले ही कर दिया तो ए और डी इज द राइट राइट आंसर तो इस तरीके से जब भी आपको लगे ना कि एग्जाम में कुछ अनदेखा सा क्वेश्चन है आपको आते हैं क्योंकि एनडी इज

कॉन्सेपच्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए ना कि आपको रट्टा मार के जाना है तो प्लीज फोकस ऑन द क्लियरेंस ऑफ कॉन्सेपच्चुअल क्लियरिटी बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट दैट आपको क्या करेगा इस सागर को जैसा कि मैं कहती हूँ इस सागर को पार करने में आपकी मदद करेगा सो प्लीज फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फोकस ऑन योर स्टैंडर्ड बुक डोंट ट्राई टू गो थ्रू द नोट इट जस्ट लाइक आपकी थिंकिंग्स को और वो क्या करेगी नैरो करेगी अभी आपके पास बहुत टाइम है सो so, अगर आप एक एक चैप्टर एक एक कॉन्सेप्ट उठा के पढ़ो ना तो वो आपकी हर टॉपिक जो होगी वो क्लियर होगी डेप्थ में नहीं पढ़ना है मल्टीपल रिविजन करना है सो फोकस ऑन द मल्टीपल रिविजन आफ्टर रिज्यूम थियरी नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक अच्छा जब भी आप देखो ना पी वाई क्यू से रिलेटेड क्योंकि आपने देखा इस इस जो टॉपिक में एक जो है वो है ठीक है कलेक्टिव सिक्योरिटी यस ये भी ना ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट है इसको भी क्लियर कर लेते हैं क्योंकि एक्चुअली ये जो है ना हमने पह, पहले नहीं किया लेक्चर में तो इसको भी क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूछ दिया जाता है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी जो होता है वो किस थियोरी से किस थिंकिंग से रिलेटेड होता है तो आपको पता है इट्स बिलोंग टू द लिबरलिज्म बट उसके बारे में थोड़ा डेप्थ में देख लेते हैं ताकि हमारी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग बन जाए और आप जब बुक पढ़ो तो और भी ज्यादा ल्यूसिड हो ये जो मैंने डेटा लिया है वो खेरा आई से लिया है तो अगर आपको लगे कि आप फिर से आप डेप्थ में जाके पढ़ना चाहते हो तो प्लीज आप जा सकते हो तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम पढ़ते हैं तो दो टर्म्स आते हैं वो है कलेक्टिव सिक्योरिटी और कलेक्टिव डिफेंस इन दोनों में अंतर क्या होता है सामूहिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा ठीक है तो एक तो कह रहा है कि रक्षा करना एक कह रहा है अच्छे से रक्षा करना है तो इन दोनों में अंतर क्या है तो जब भी हम बात करें करते हैं ये है हमारा कलेक्टिव सिक्योरिटी और ये हमारा कलेक्टिव डिफेंस ठीक है सिक्योरिटी और ये है हमारा डिफेंस सो so, जब भी हम डिफेंस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं फिजिकल यानी कि जैसे कि मान लीजिए एक मिलिट्री से रिलेटेड या फिर आपके एयरक्राफ्ट इन सब चीज़ों से हम बात करते हैं इसमें क्या होता है ना कि आप मिलिट्री लेबर को और भी स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हो लेकिन जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो इसमें आपके ओवरऑल डायमेंशन को कवर अप किया जाता है जैसे आपकी इसमें इन्वॉमेंट भी आ सकती है इसमें आपके वेलफेयर पीपल्स भी आ सकते हैं इकोनॉमिक भी आ सकते हैं रिलीजन भी आ सकते हैं तो ये सिक्योरिटी क्या होता है ये एक ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे पहलू को कवर किया जाता है जब हम आते हैं रक्षा की ओर तो ये क्या हो सकता है हो सकता है एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को हार्म करने की कोशिश कर रहा है ठीक है यहाँ पे एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को हार्म करने की कोशिश कर रहा है तो ये जो है ना इंडिविजुअल लेवल का भी हो सकता है और ब्रॉड uh, लेवल का हो सकता है हो भी सकता है लेकिन जब भी हम बात करते हैं सिक्योरिटी की तो वो क्या होता है एक बृहद होता है ऐसा नहीं होता है कि, कि किसी एक इंडिविजुअल ने दूसरे क्लाइमेट को पूरे क्लाइमेट को ये कर दिया इसमें क्या होता है इसमें पूरा होल सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है और हर सिस्टम को आना पड़ता है साथ में ताकि उस प्रॉब्लम को वो क्या कर सके टैकल आउट कर सके तो इट्स अ ब्रॉड होलिस्टिक अप्रोच और बिना होलिस्टिक इंडिविजुअल किसी इंडिविजुअल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसमें सिक्योरिटी में इसमें इट्स अ ब्रॉड टर्म इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट ठीक है तो इट्स अ ब्रॉड एरिया जिसको आपको ब्रॉड बहुत सारे लोग मिल कर के क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं और ये क्या होता है सिक्योरिटी का एक सबसेट होता है डिफेंस जब हम बात करते हैं ये क्या होता है मल्टी डायमेंशनल होता है यानी कि आप इसमें इन्वामेंट को भी लेते हो इकोनॉमी को भी लेते हो डिफेंस को भी लेते हो तो ये हर ल्यूसिड होता है हर जगह ये आपको क्या करता है सिक्योरिटी लाने की कोशिश करता है यानी आपकी रक्षा करने की कोशिश करता है लेकिन ये क्या होता है इट्स अ फॉर्मल एग्रीमेंट रहता है कि आप जो है ना आप मुझे ऐसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो देयर इज एग्रीमेंट कि आप ऐसे करना है ताकि हमारी जो है ट्रेड है या फिर जो भी हो वो हमारी हानि ना हो या फिर आपको क्या हमें हम पे अटैक नहीं करना है। जैसे आपने देखा कोल्ड वॉर में देर इज अग्रीमेंट साइन बिटवीन द टू कंट्रीज न्यूक्लियर सॉल्ट वन सॉल्ट टू ये क्या है ये सब ना आपको सिक्योरिटी डिफेंस से लेकर के आपको एग्रीमेंट साइन की जाती है जल, लेकिन जब भी आपको बात करते हैं ना सिक्योरिटी से रिलेटेड क्लाइमेट सिक्योरिटी वाटर सिक्योरिटी तो ये सब जो होता है एक ब्रॉड एस्पेक्ट पर डील करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि आप पे बाइंडिंग हो ठीक है जैसे आपको क्योटो प्रोटोकॉल ये धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं जैसे जैसे नॉर्म्स आते जा रहे हैं आपको बाइंडिंग होते जा रहे हैं क्योंकि जो हमारी इश्यूज़ हैं वो ग्रेव होते जा रही हैं क्लाइमेट या फिर जैसे भी बहुत सारे जलवायु परिवर्तन आप देख रहे हो ये सब ब्रोड होते जा रहे हैं और ग्रेव होते जा रहे हैं समय समय के साथ ये संकट और भी गहराता जा रहा है इसी वजह से ये ये आप पे बाइंडिंग होती है लेकिन ये फ्लैक्सीबल भी होते हैं ऐसा नहीं होता है कि कुछ हर कंट्री को वैसे फॉलो करना है जो छोटे छोटे कंट्री होते हैं जो पुअर कंट्री होते हैं दे हैव सम एक्सेप्शन एक्सेप्शनल केसेज देव समन फॉर देम बट यहाँ पे क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है फैक्ट बेस्ड होता है आपको इसे फॉलो करना ही है सो इट्स अ बाइंडिंग अपॉन यू देर इज अस्कोप फॉर फ्लेक्सीबिलिटी तो ये जो होता है ना बेसिक अंतर होता है जब भी आप डिफेंस की बात करो कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात करो तो इन दोनों में ना ये अंतर होता है तो एक आईर के स्टूडेंट को जो नेट में बैठने जा रहा है जो पीजी पढ़ के जा रहा है उसको ना इन सब छोटे छोटे टर्म्स को क्लियर करके जाना चाहिए अपने बेसिक्स को क्लियर करके जाना चाहिए ताकि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए जैसे आप आपको मान लो कि यहाँ से पूछ दिया जाए कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में आ गया दे आर टू रिप्लेस कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम अब कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम क्या बात करता है लिबरलिज्म क्या बात करता है कॉपरेशन की बात करता है अब लिबरलिज्म को कैसे निगेट करता है कैसे रिप्लेस कर सकता है तो ये सब जब आप बेसिक क्लियर करके जाओगे ना तो आधा जो फिफ्टी फिफ्टी वाला जो होता है ना 50 -50 आप फिफ्टी फिफ्टी अपने लॉजिक अपने अंडरस्टैंडिंग से ही ना उसको क्या कर सकते हो एलिमिनेट कर सकते हो आप राइट right आंसर तक पहुंच सकते हो सो फोकस ऑन द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रेदर देन द रट्टा मारने वाला आदत ठीक है नाउ कम्स टू द कलेक्टिव सिक्योरिटी इसको थोड़ा और ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि जनरली क्या होता है ना कलेक्टिव डिफेंस और कलेक्टिव सिक्योरिटी में जब हम अंतर करते हैं ना तो कलेक्टिव सिक्योरिटी हो सकता है पूछ दिया जाए कि ये किससे रिलेटेड है बट कभी कभी क्या होता है ना कि उस टॉपिक से ना जब जब बार बार लग, आपको लगता है कि वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उस टॉपिक को ना हमें डेप्थ में पढ़ना है ठीक है ताकि कोई स्कोप ना रहे हमारी कोई छूट ना ए, कोई मिस्टेक या फिर कोई जैसे होता है ना कि आपके वीक पॉइंट पे आपको वो करता है वॉर किया जाता है तो आपको कोई भी वीक पॉइंट को छोड़ के नहीं जाना है सर कवर ऑल वीक पॉइंट सो कलेक्टिव सिक्योरिटी है क्या सामूहिक सुरक्षा याद करें हम रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं सुरक्षा और जब सुरक्षा की बात करते हैं तो ये क्या है ब्रॉड है और ये क्या है फ्लेक्सिबल है और ये बाइंडिंग नहीं है जैसा कि आपने लास्ट पीपीटी में देखा तो जब जब हम सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है क्योंकि ये बहुत सारे इशू पे बात करता है बहुत सारे मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को लेकर के चलता है तो इसमें क्या होती है कि बहुत सारे जो कंट्रीज होते हैं उनको साथ में आने की जरूरत रहती है सो इट्स फोकस ऑन कमिंग टूगेदर ऑफ स्टेट जब तक स्टेट साथ में नहीं आएंगे तब तक तो से क्या होगा एक दूसरे को सिक्योरिटी को ला पाना पॉसिबल नहीं है तो जैसे कि आपने देखा है कि अभी जो एग्रीमेंट हो रहा है पेरिस एग्रीमेंट या फिर बहुत सारे क्लाइमेट चेंज या फिर प्रोटोकॉल या फिर कितने भी एग्रीमेंट हो रहे हैं तो उसमें ग्लासगो समिट हुआ उसमें क्या हो रहा है जो मेजर कंट्री जो होते हैं जो हैजमोन कंट्री होते हैं दे आर नॉट रेडी टू कमिट कि मैं इतना जो है ना अपना ये रिड्यूस करूंगा इतना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नेट जीरो तक कब तक पहुंचूंगा तो ये जो कमिटमेंट है ना वो बहुत जरूरी है सिक्योरिटी लाने के लिए आप क्लाइमेट की बात करो या वाटर की बात करो सो दिस कमिटमेंट इज इम्पोर्टेंट टू गेट अ होलिस्टिक सिक्योरिटी क्योंकि ये ये जो है ना ये होलिस्टिक की बात करता है आपको एक कंट्री को आप जीर, नेट जीरो तक पहुँचने से कुछ नहीं होगा जब तक कि बाकी सब कंट्री जो है ना वो उस लक्ष्य को फॉलो ना करें सो इट्स अ ऑल लेवल अप्रोच जिसको हर किसी को फॉलो करना है सो इट्स फोकस ऑन कमिंग टूगेदर ऑफ स्टेट्स नॉट अ वन स्टेट इट्स स्टेट्स और इसमें आपको क्या करता है स्टेट्स की कॉपरेशन की डिमांड करता है कि हर स्टेट आए और कॉपरेट करें रिमेंबर जब भी कॉपरेशन की हम बात करते हैं तो ये क्या है ये एक लिबरल आइडिया है और लिबरल आइडिया क्या करता है इंस्टीट्यूशन पे ध्यान देता है कि इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश करना चाहिए जिससे क्या हो रूल्स ये सब क्या हो? बने रहें और हर कोई इसको फॉलो करे सो इट्स फोकस ऑन इंस्टीट्यूशन बेस्ड अप्रोच अब ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है इसका जो इतिहास है वो बहुत पुराना है इतिहास ये है कि फ्रांस में एक जो है एक क्लर्जी हुआ करता था जिसका नाम था कार्डिनल रेचल्यू अब जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे या फॉरन पॉलिसी पढ़ोगे तो इस बंदे का नाम आना जरूरी है जैसा कि मैकिया इसने क्या किया था इसने जो है ना इसने अब फ्रांस के फॉरेन पॉलिसी को बहुत हद तक स्ट्रेंथन किया था सो ही इज़ अ इम्पॉर्टेंट आई मीन एक्टर टू स्ट्रेंथन द फॉरेन पॉलिसी और जिसका जो आज भी आप देखोगे ना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बहुत बड़ा या फिर इटली में ना इनके आइडिया को ना ध्यान देकर या फिर वेस्टफेलिया की जो संधि हुई उसमें इनके आइडियाज को लिया गया ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का आइडिया है वो पहली बार अप्लाई कार्डिनल रेचलू रेचलू ने किया और ये भी पूछा जाता है कब किया सो अराउंड सिक्सटी ट्वेंटी नाइन एक बार आप चेक कर लेना इन्होंने कब किया था सो so, ये पूछा जाता है और इसकी जो इम्पैक्ट है कुछ हद तक इनकी जो इन कलेक्टिव सिक्योरिटी की आइडिया है वो ट्रीटी ऑफ वेस्ट में भी देखने को मिली थी so, सो ये क्या कहते हैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देते हैं जिसका नाम है रीजन डिटार्ट राइजन डिटार्ट आखिर ये फ्रेंच वर्ड है क्या फ्रेंच वर्ड ये कहता है कि जो जब आप किसी को कहते हो कि ये आपका दोस्त है ये आपका दुश्मन है तो ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट है ये हम किस लिए करते हैं इंटरेस्ट को अपने पाने के लिए तो इंटरनेशनल में रिलेशन में कभी भी आपका आपका कोई परमानेंट दोस्त नहीं है कोई एनिमी नहीं है आप जब भी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कोऑपरेट करना है तो आप क्या करते हो ना आप उन सब एनिमी और फ्रेंडशिप के चीज़ों से परे रख आप क्या करते हो अलायंस फॉर्म करते हो अलायंस बनाते हो संधि करते हो और जब तक से संधि नहीं हो सकता वो ब्रॉड लेवल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो सकती तो रीज़न डिटेंट ये कहता है कि आप जो है ना अपने भावनाओं से उठ करके आप रीजन का इस्तेमाल करो जिससे आप क्या कर सको हर इशू को सॉल्व कर सको और इसी वजह से कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है ना रिजीम थियोरी जो है ना वो भी वो भी कुछ कुछ यही कहता है कि रिजीम क्या कहता है रिजीम कहता है कि साथ में आते हैं और कोई इशू होते हैं जैसे क्लाइमेट जैसे जितने भी इशू हैं उसको हम लोग क्या करते हैं टैकल करते हैं तो कभी भी रिजीम थियोरी कलेक्टिव सिक्योरिटी को रिप्लेस करने की बात नहीं करता बल्कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे की बात करते हैं सो so, कभी भी रिजीम थियोरी और कलेक्टिव सिक्योरिटी दे बिलोंग्स टू अर द सेम स्कूल सो दे विल नेवर निगेट इट और इस तरीके से ना जब तक से आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रखोगे आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे ठीक है तो ये थी रीजन डेटाउट की बात जो कि कार्डिनल रिचड्यू ने की थी इंपॉर्टेंट थिंकर्स रिलेटेड टू फॉरन पॉलिसी उन्होंने फॉरेन आप डेप्थ में जाके कर और इंटरेस्टिंग टर्म जो है ना वाइल रीडिंग यू द कार्डिनल रिचड्यू उन्होंने जो ना टेबल नाइफ़ का यूज़ किया था आई मीन फर्स्ट कॉन्सेप्ट लाया था टेबल टेबल नाइफ का फ्रांस के सोशल कॉन्टेक्स्ट में आखिर हुआ क्या था ना उनका जो था ना जैसे होता है ना टेबल हैबिट जब आप डाइनिंग टेबल पर बैठते हो तो आप एक एक हैबिट होना चाहिए तो उनको जो लग रहा था कि ये जो भी लगा हो उन्होंने कहा था कि ये जो नाइफ है ना नाइफ लाना चाहिए ताकि आपको एक मैनर्स आना चाहिए टेबल आना चाहिए ताकि आप किस तरीके से खाना खाओ तो उन्होंने इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया था और पहली बार टेबल नाइफ का कॉन्सेप्ट जो है ना डाइनिंग टेबल पे कार्डिनल रिल हालांकि ये क्वेश्चन आपको नेट में नहीं पूछा जाएगा बट ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी ना कि फॉरन पॉलिसी रीजन बट आपको सोशल या फिर आपके पर्सनल डेली लाइफ में ना जो चीज़ें होती हैं उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया था और उनके बहुत सारे आपके देखेंगे आइडियाज जो है ना बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है सो ही इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने कोऑपरेशन पे भी जोर दिया था तो अलायंस जिसको कहते हैं ना अलायंस संधि आप संधि करो अगर आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम को ना सॉल्व करना है तो उन्होंने संधि पे बात की थी ठीक है और ये जो है ना इनका टाइम पीरियड आप याद रख लेना बस यही है इतना ही है कलेक्टिव uh, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्योंकि एक्चुअली अगर हम क्या करते हैं ना लिबरलिज्म को वन बाई वन कवर ये सब एक एक टॉपिक करते हैं ना पी वाई क्यू को नहीं जब तक अप्रोच करते तो आप उसमें घुस के बस पढ़ते रहते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी हमें ऐसे जाना है ताकि टाइम कम लगे और आपका टॉपिक भी है वो कवर अप हो जाए और इसमें क्या करना है इसमें आपको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है क्योंकि एन टी ए बस ये पूछता है कि ये किस थिंकर से रिलेटेड है ये किस थियोरी से रिलेटेड है जब इतना पूछा जा रहा है तो आपको क्यों दो, दो तीन बार मतलब इसी टॉपिक को पढ़ना है जस्ट फोकस ऑन द अदर थिंग्स क्योंकि आपके पास दस टॉपिक हैं आपको दस टॉपिक करना है आपको लिबरलिज्म आपको थियरी करना है आपको थॉट करना है आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स करना है आपको आई में इतना ब्रोड टॉपिक कवर करना है so, सो मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम जो है जरा सा भी वेस्ट हो इसलिए प्लीज गो थ्रू द पी वाई क्यू गो थ्रू द सिलेबस फॉलो द स्टैंडर्ड बुक ओनली दैट विल बी हेल्प यू टू टेस्ट द एग्जाम सो प्लीज फोकस ऑन दीज थिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द एस्पेक्ट वेयर वुड्रो विल्सन प्लीज नोट डाउन दिस नेम ठीक है जब भी वुड्रो विल्सन का नाम आएगा वुड्रो विल्सन लीग ऑफ नेशन सो विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट वुड्रो विल्सन फोर्टीन पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यू अप्रोच टू द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए दृष्टिकोण के संबंध में कौन से पहलू वुड्रो विल्सन ने चौदह बिंदुओं का हिस्सा थे अब हम लोग में इसे कुछ नौ निहल क्या करेंगे जब भी पूछ क्वेश्चन पूछेगा फोर्टीन पॉइंट्स तो हम लोग क्या करेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ फोर्टीन धड़ा, पॉइंट्स को रटना चालू कर देंगे और रटने पे हमें इन्फेसिस नहीं करना है हमें जोर देना है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे तो कैसे इस तरह के क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है ना फोर्टीन पॉइंट्स के बोट्रोविल्सन के फोर्टीन पॉइंट्स को ना कर इसमें से कौन है तो जब तक से आप ऑफकोर्स आपको लगेगा कि रटना जरूरी है क्योंकि फोर्टीन पॉइंट्स को याद करना पड़ेगा बट मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगी ना अप्रोच बताऊंगी जिससे आपको क्या करना है एग्जाम में बिल्कुल रटना नहीं है और इसी वजह से आप देखते हो ना कि बहुत सारी चीज़ें ना कॉम्प्लेक्स करके हम बैठ जाते हैं हमें लगता है ना कि आई एयर इज़ वेरी डिफिकल्ट और फिर दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन या फिर पोलिटिकल थीर हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है बट क्योंकि हम इम्फेसिस करते हैं जनरली रटने पर और एग्जाम के लास्ट डे पढ़ते हैं तो हमें रटने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं बचता तो हमारा यहाँ पे फोकस ये है कि हम जो है ना अप्रोच बेस जाए किस तरह से हम अप्रोच करना है किसी टॉपिक को तभी वो क्या होगा वो ज्यादा लॉन्ग टर्म बेनिफिट करेगा सो प्लीज़ अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कैसे इस क्वेश्चन को ना इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है सो टेक योर टाइम यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो है कि इकोनॉमिक बैरियर फॉर ट्रेड इम्पोस्ट पोलिस स्टेट इज नॉट गिवन फ्री एक्सेस टू द सी ओपन गोवर्न टू पीस ओपनली अराव एट फ्री ओपन माइंडेड एंड इम्पार्शियलोनियल क्लेम इसमें एलिमिनेशन इस तो यूज करना है तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है करेक्ट है इन चारों ऑप्शन में कौन करेक्ट है तो प्लीज यूज द एलिमिनेशन मेथड आई होप यू विल रीच द करेक्ट आंसर वोट्रोविल पॉइंट स हमने ये टॉपिक जो है ना वो कवर अप नहीं किया होगा नहीं किया है तो हो सकता है आपको ना थोड़ा टफ लगे बट बिलीव मी इट नॉट टफ जब तक आ, जब आपको हिस्ट्री पता है ना आई का ये आपके लिए बिल्कुल टफ नहीं है ओके okay, चलिए इसका आंसर देखते हैं आंसर ये है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करो एग्जाम में या फिर हो सकता है आपका मॉक हो तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है यानी कि जिसमें रट्टा का कॉन्सेप्ट रट्टा करना जरूरी है तो आपको कैसे सॉल्व करना है आपको सीधे क्या करना है उस इवेंट के बैकग्राउंड को समझना है कि ये जो वुड्रो विल्सन की बात की जा रही है इनका टाइम पीरियड और ये किस से रिलेटेड बात की जा रही है तो ये आप देखोगे ना ये वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है ठीक है तो वर्ल्ड वार की प्रॉब्लम क्या थी क्यों वर्ल्ड क्यों वर्ल्ड वार हुआ आपको थोड़े से बैकग्राउंड तो पता होगा ना क्योंकि आप देखोगे ना सीक्रेट डिप्लोमेसी वहां पे जो एक इशू थे वो थी सीक्रेट डिप्लोमेसी की देयर इज नो ओपननेस देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी सो ये जो सीक्रेट डिप्लोमेसी था ये जो था ना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था और इसी वजह से ना जो की आइडियाज था ना बैकग्राउंड वुड्रो विल्सन ने इसी बात पे ये किया था एम्फेसिस किया था कि जो ऐसी तरह से नियम बनाया जाए जो कि क्या हो ट्रांसपेरेंट हो वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करें क्योंकि अमेरिका उस टाइम राइज कर रहा था उन्हें चाहिए एक फ्री नेविगेशन सिस्टम जो कि क्योंकि अमेरिका का आप लोकेशन देखो इट्स अ अपेसिफिक ओशन तो वो सी की जरूर बात करेंगे तो फ्री ट्रेड अक्रॉस सी सी में भी बात की गई थी ओपननेस होनी चाहिए ठीक है सेल्फ डिटरमाइंड होना चाहिए कि हर कंट्री ना अपने बारे में डिसीजन बना सके सॉबरेन हो सके संप्रभुत्व हो सके इन चीज़ों की बात की गई थी ओपन सी की बात की गई थी आपको प्लीज़ रटना नहीं है प्लीज़ आपको एक बार धीरे से देख लेना है धीरे से मतलब कि थोड़ा सा एक बार ओवर लुक कर लेना है कि क्या कह रहा है फिर उसके बाद आप देखो यहाँ पे वुड्रो विल्सन ये रहे और इन्होंने फोर्टीन पॉइंट की बात की कहा ओपन डिप्लोमेसी होनी चाहिए फ्रीडम ऑफ सीज होनी चाहिए रिमूवल रिमूवल ऑफ इकोनॉमिक बैरियर होना चाहिए रिडक्शन ऑफ आर्मामेंट एडजस्टमेंट ऑफ कॉलोनियल क्लेम कंक्वेड टेरिटरीज इन रसिया प्रिजर्वेशन फ्राम बेल्जियन सॉबर्निटी ऑफकोर्स सॉवरिटी की बात यहाँ पर की जा रही है रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंच टेरिटरी यानी कि जो टेरिटरी सॉवरिंटी से जितने भी इशू हैं वहाँ पर सॉल्व करने की बात की जा रही है रिड्रोवल ऑफ इटालियन फ्रंटियर सीमा बॉर्डर से भी रिलेटेड इन्होंने बात की थी डिवीजन ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी रिड्रॉइंग बालकन बाउंड्रीज ठीक है लिमिटेशन ऑफ टर्की एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस पोलैंड और उसके बाद बहुत सारे नेशन की इंडिपेंडेंस की बात की गई तो जब ये सब चीजें आप एक बार देखोगे ना तो इसमें आपको बिल्कुल रटने की बात नहीं कीजिए नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे, दिया गया इकोनॉमिक बैरियर फॉर ट्रेड इम्पोज ठीक है तो ऐसा कभी भी आपको लगता है कि वो बैरियर बैरियर लाने की बात करेंगे आपको नहीं लाने की बात करेंगे तो ये आपका एक तो एलिमिनेट हो गया यानी कि ए नहीं होना चाहिए इसमें फिर दूसरा कह रहा है पोलिस स्टेट इज नॉट अ गिवेन फ्री एक्सेस टू द सी अब इन्होंने सबको बात की थी अब कोर्स किसी एक स्टेट को ना उन्होंने बैरियर ये नहीं कहा था तो यहाँ पे फ्री एक्सेस ऑफ सी की बात अब सी देख करके आपको ये नहीं लगे कि ये सही है आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पोलिस स्टेट बी भी, भी और, आप निकाल दो सी और डी बचा सी डी में क्या कह रहा है ओपन कोवेनेंट फॉर पीस ओपनली अराइवेंट यानी पीस की बात की जा रही थी और उससे रिलेटेड तो कुछ रूल्स होने चाहिए फोर्थ कह रहा है कि ए फ्री ओपन माइंडेड एंड इम्पार्शियल एडजस्टमेंट टू द ऑल कोलोनियल क्लेम्स ठीक है जितने भी कॉलोनियल क्लेम्स करते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए फ्री ओपन माइंडेड और इम्पार्शियल एडजस्टमेंट होना चाहिए उनके लिए तो इस तरह की इस तरीके से ना आप एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन को ना एलिमिनेट कर सकते हो और राइट right आंसर तक पहुंच सकते हो आपको प्लीज रटने की जरूरत नहीं है आप बस ओवर लुक करो कि क्या कॉन्सेप्ट है क्या क्लियरिटी है किस संदर्भ में बात की जा रही है वर्ल्ड वार वन वर्ल्ड वार टू से रिलेटेड बैकग्राउंड समझ लो और फिर आपको उस आंसर तक आप पहुंच पाओगे सो so, ये हमारा अप्रोच रहता है किसी भी बड़े से बड़े टॉपिक को कवर अप करने के लिए और इसी वजह से ना आप जो है ना उस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हो तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे पी के थ्रू कवर अप करेंगे तो आज मैं इतना ही कवर अप कर रही हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन क्यों में ना आपको क्या करना है एक बेसिक टर्म्स को समझना है सो तो टिल देन आपको प्रैक्टिस करते रहना है पी को ध्यान रखना है और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट चीजों को देखेंगे तब तक के लिए Please keep reading. Please re start revising and focus on your study. Stop ratification. Follow the conceptual clarity. Thank you.